नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवन आई। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। मध्य प्रदेश खेल कल्याण विभाग द्वारा आज मध्य प्रदेश में उमरिया जिले में 65वां शालेय स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ अमर शहीद स्टेडियम में किया गया। ये प्रतियोगिता 1 से 5 तारीख के बीच इस मैच को खेला जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के सभी संभागों से प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसका उद्घाटन जबलपुर और ग्वालियर संभाग के बीच पहला मैच खेला गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेसी नेता अजय सिंह, बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह, जिला पंचायत सीईओ अंकित अस्थाना, आदिवासी विकास विभाग सहायक आयुक्त आनंद राय सिन्हा, जिला शिक्षा अधिकारी उमेश कुमार धुर्वे, धनुष धारी सिंह और इसी के साथ ही राजेश शर्मा और अन्य लोग इसमें मौजूद रहे। राज्य स्तरीय जिले के स्टेडियम में शुभारम्भ हो रहा है। मध्य प्रदेश के कई संभागों से हमारे ऊर्जावान खिलाड़ी इस माधव भूमि पर, बांध धरा पर अपनी प्रतिभा निखारने के लिए पहुँचे हैं। मैं निश्चित ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनका ये प्रतिभा या खेल के लिए गौरव हो, इस धरती से खेल करवाने। पहली बार नेट मार्ग प्रतियोगिता राज्य स्तरीय है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश से और सबसे बड़ी बात यह होगी कि उमरिया जिले के बच्चों को नेटबॉल खेल देखने का अवसर मिलेगा, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और उसको उनके लिए क्षमता है इस खेल को खेल। उमरिया में 65वीं राज्य स्तरीय शालीय नेटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। विभिन्न संभाग से जो हमारी टीमें आई हैं वो नेटबॉल कॉम्पिटिशन के लिए आए। पहला मैच जैसा आप देख ही रहे हैं जबलपुर और ग्वालियर संभाग के बीच अभी स्टार्ट हुआ। नेटबॉल का ही मुख्य दलिया है। सर, कब से कब तक यह गेम चलिए? 1 तारीख से 5 तारीख तक इसका आयोजन किया। कच्छ के अंजार में नगर पालिका के अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। जी हाँ, दरअसल ये मामला दबाण और हटाव का कामगिरी के चलते नगर पालिका के द्वारा बनाए गए फुटपाथ पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और ये नहीं, दुकानों के बाहर की टाइल्स भी तोड़ी जा रही है, जिससे आम नागरिकों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। कच्छ के अंजार अंतर्गत कुभारिया गांव में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विवाह जैसी कुप्रथा को खत्म करने तथा इसके दुष्परिणाम के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा नाटक के माध्यम से संदेश दिया गया। और इस दौरान गाँव के सरपंच लालजी भाई अहिर तथा समस्त ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इसके साथ ही कच्छ महिला बाल विकास संगठन की जागृति बेन और अन्य समाज सुधारक गण भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सरपंच लालजी भाई ने ग्रामीणों से बाल विवाह रोकने को लेकर शपथ ग्रहण कराई। गांधी जयंती पर रतनाल प्राइमरी हेल्थ केंद्र में सफाई अभियान चलाया गया। रतनाल प्राइमरी हेल्थ केंद्र पर आज गांधी जी की जयंती मनाई गई। गांधी जी की जयंती पर आज देश के लिए लिए गए काम को याद किया गया और इसी के साथ ही शांति और अहिंसा का मार्ग आज देश और दुनिया में ऐतिहासिक रूप से पहचाना जा रहा है। और आज के दिन आरोग्य केंद्र में सफाई कराई गई। इस केंद्र के आसपास में वृक्षारोपण कराया गया, कचरा और गंदगी को स्वच्छ की गई और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में HPC के डॉक्टर वर्मा साहेब, इसके साथ में ग्राम पंचायत के सदस्य जखूभाई माहेश्वरी और मावजी भाई मेरिया, भरत भाई, इसी के साथ ही कई अन्य लोग मौजूद रहे। नगर पालिका CMO कुंवर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सुबह सुबह महात्मा गांधी की जयंती पर बिना किसी को बताए स्वयं पैदल चलकर नगर की स्वच्छता का अचानक निरीक्षण किया। इसी के साथ ही व्यापारियों और दुकानदारों को पॉलिथीन की जगह कपड़े के थैले का उपयोग करने की सलाह दी। नगर पालिका CMO का मुख्य उद्देश्य चंदेरी को स्वच्छता के साथ पॉलिथीन मुक्त बनाना है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को सुबह महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर अचानक बिना किसी को बताए नगर पालिका चंदेरी CMO कुंवर विश्व प्रताप सिंह नगर का औचक भ्रमण करने पहुंचे और इसी के साथ ही उन्होंने कई जगहों का जायजा लिया। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी पर्यटन और चंदेरी साड़ी के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। बताते चले कि चंदेरी की स्वच्छता को लेकर हमेशा से लोग चिंतित रहते हैं और नगर पालिका CMO कुंवर विश्वनाथ प्रताप सिंह, यही कारण है कि स्वयं नगर पालिका CMO ने इंदर पार्क से पैदल चलकर सदर बाजार, कटरा बाजार की गलियों में पैदल चलकर औचक निरीक्षण किया। आज चंदेरी में वाल्मीकि समाज, अहिरवार समाज एवं अन्य अहिरवार समाज के लोगों के द्वारा शिवपुरी जिले के ग्राम भावखेड़ी में वाल्मीकि समाज के 2 मासूम बच्चों के निर्मम हत्या के विरोध में चंदेरी शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वाल्मीकि समाज का एक बहुत बड़े समूह ने SDM कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन बच्चों के हत्यारों को फांसी देने की सजा की मांग की गई थी। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और शासकीय नौकरी एवं शहरी क्षेत्र में आवास प्रदान करने की मांग भी की गई है।
कांग्रेस में काफी जद्दोजहद के बाद कुंज बिहारी पांडे को किसान कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। बताते चले कि कुंज बिहारी पांडे शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी के कद्दावर कार्यकर्ता रहे और किसान कांग्रेस में अन्य पदों पर भी रहते हुए अच्छा कार्य भी किया और इसी को देखते हुए उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। द्वारा हम पे विश्वास जता के पहले प्रदेश सचिव थे, उसकी उन्नति करते हुए हमें उपाध्यक्ष बनाया। हमारे पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा एवं वर्तमान विधायक के और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सबके नेतृत्व में खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। तो आपको किसान कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है जी, तो आपकी अब आगे क्या रणनीति रहेगी किसानों के प्रति, जो कि अभी हाल ही में देखा गया है कि अतिवृष्टि की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, तो आपका क्या प्रयास रहेगा किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करने का? जानदर के साथ खेतों में जाके उनका वो करवाएंगे, तो उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाएगा इस बार? बिल्कुल, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उसमें। और जिन किसानों का अभी तक ऋण माफ नहीं हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में उनके वो कागज बनवा के दिलवाएंगे जिससे ऋण माफ हो जाए उनका। छिंदवाड़ा में युवा शक्ति टीम के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर जिले के युवा टीम ने फव्वारा चौक स्थित गांधी जी की प्रतिमा की साफ सफाई कर दूध से अभिषेक किया। अखिल सूर्यवंशी राजा सराठे ओम वर्मा ने बताया कि गांधी जी की 150वीं जयंती पर पूरे वर्ष टीम के युवा अपने पर्यावरण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे एवं गांधी जी के दिखाए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का लोगों से आग्रह किया। मध्य प्रदेश के दतिया में महात्मा गांधी व शास्त्री जी की जयंती पर सम्मान समारोह में भिंड की सांसद संध्या राय पहुंची और पूर्व मंत्री भाजपा विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा किला चौक परिसर में पहुंचे। इसी के साथ ही स्वच्छता सेनानी का सम्मान भी किया गया। भिंड भाजपा सांसद संध्या राय और विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शॉल श्रीफल स्मृति चिन्ह देकर सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर राजीव त्यागी द्वारा एक साहित्यकार जगत शर्मा हिंदी पखवाड़े का समापन भी किया गया और इस दौरान जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कर्नाटक के जिन लोगों ने उनके सरनेम का उपयोग किया आजादी के बाद, एक परिवार ने उपयोग किया, उनने छपे कागज के टुकड़े इकट्ठे करने पर जोर दिया लेकिन गांधी के विचारों पर जोर नहीं दिया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गांधी के विचार को भारतीयता में समाविष्ट करने की एक सफल कोशिश की, जिसको हम देख रहे हैं कि आज गांधी जयंती पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति सड़क पर उतर के जनता से सीधे संपर्क में पहली बार आ रहा है। उन्होंने 5 साल पहले आए जन स्वच्छता अभियान गांधी जी के नाम पर 2 अक्टूबर को जो लोगों के चश्मे का है उसके साथ में प्रारंभ किया और लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और इसलिए गांधी जयंती पर हम गांधी जी को नमन करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए कोशिश करते हैं। आज हमारे कार्यकर्ता राजीव त्यागी जी ने आज भी हमारे दीपमाल की कर रहे हैं करने में विश्वास रखते हैं। आप अगर आज से 25 साल 30 साल पीछे चले जाओगे सन 90 में 1929 साल पहले तो माननीय सुंदरलाल पटवारी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सर पर मैला ढोने की प्रथा पर पाबंदी लगाई थी, वो पहली बार 29 साल पहले। मैं 2-2 दिन मुझे देना है और उसके बाद लगातार वहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी उस यात्रा को संचालन करेंगे और 150 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। हम सबको पता है स्वच्छता अभियान कितना महत्वपूर्ण है और जिस तरह राजू भैया ने कार्यक्रम कराया है, मुझे लग रहा है 4th कार्यक्रम है उनका। अगर हमारा दतिया शहर स्वच्छ रहेगा, हमारा जिला स्वच्छ रहेगा, तो हमारा प्रदेश भी स्वच्छ रहेगा। और स्वच्छता अभियान वास्तव में हम सबका अभियान है, एक एक व्यक्ति का अभियान है और उस अभियान को लेकर, स्वच्छता अभियान को लेकर प्लास्टिक मुक्त शहर हो, हमारा नगर प्लास्टिक मुक्त हो, हमारा पूरा दतिया जिला स्वच्छता अभियान में सक्रिय है और लगातार इसमें एक एक व्यक्ति की भूमिका है और इस स्वच्छता अभियान को लेकर ये कार्यक्रम है। मैं भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, हर वर्ष उनका ये कार्यक्रम होता रहता है और हर व्यक्ति इस कार्यक्रम से जुड़े।
और मुझे लग रहा है इस अवसर पर मुझे कुछ ज्यादा कहने। मध्य प्रदेश के दतिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रशासन विभाग द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। मुख्य रूप से कमिश्नर SB ओझा और दतिया कलेक्टर BS जामोद, पुलिस अधीक्षक D कल्याण चक्रवर्ती और सभी धर्म के धर्मगुरु मुख्य रूप से उपस्थित रहे और इस विभाग में अपनी मौजूदगी दर्ज की, जिसमें खेल युवा कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग एवं स्कूली गाइड एवं शासकीय प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रभात फेरी की शुरुआत स्टेडियम ग्राउंड से होकर मुख्य मार्गों से होती हुई पीताम्बरा पीठ सीतानगर पहुंची, जहां पर माता के भक्तों द्वारा भंडारा कराया जा रहा था और लोगों को गंदगी फैलाते हुए अपनी पत्तल डस्टबिन में ना डालते हुए इधर उधर फेंकी जा रही थी। तभी कलेक्टर BS जामोद के द्वारा झूठी पत्तल उठाकर भंडारा करा रहे लोगों को समझाइश भी दी गई। महात्मा गांधी की जयंती है और आज आप देख रहे हो यहाँ के सारे गणमान्य नागरिक, जितने ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा अन्य भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, ब्रह्म कुमारी हैं और सबसे बड़ी बात सभी धर्मों के धर्मगुरु भी हमारे साथ चल रहे हैं प्रभात फेरी के रूप में। और न सिर्फ प्रभात फेरी निकल रही है बल्कि मार्ग की सफाई करते भी चल रहे हैं। गांधी जी के जो आदर्श हैं उनको अपनाने का मुख्य लक्ष्य है कि सारे आम जनता को उसके लिए जागरूक करें, स्वच्छता रखें, सभी धर्म एक हैं, हम सब भाई भाई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे मकानों की राशि नहीं मिलने से लोग परेशान हैं, जिन्होंने कलेक्टर में ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही पथरिया निवासी करीब एक दर्जन भर लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि साल भर से नहीं दी गई है, जिसके कारण उनके मकान अधूरे पड़े हुए हैं, जिन्हें शीघ्र ही राशि दिलाए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही आवेदन प्राप्त होने के बाद कलेक्टर ने सभी ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि वो शीघ्र ही आदेश देते हुए रुकी हुई राशि दिलवाएंगे, जिससे मकानों का निर्माण हो सके। कच्चे मकानों की इनकी स्वीकृति 1.5-1.5 साल पहले हो चुकी है और उन लोगों के नाम काट के और दूसरों के नाम से आवास आवंटन कर दिए। लक्ष्मण सिंह नगर पालिका अध्यक्ष, उनका कहना है कि उस वार्ड के लोगों ने हमें नहीं, हमारे पार्षद नहीं चुने हैं, कांग्रेस के नेता ने हमें वोट नहीं दिया, इसलिए वो उस वार्ड में कुटी नहीं डाली जाएगी। कुटी डल रही है ना, 1.5 साल पहले से आवेदन है हम लोगों का, साथ में सबका है। किसी को भी हमारे अध्यक्ष हैं जो वर्तमान में, वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा पार्षद जो है जो BJP से है, तो वो नहीं चाहते कि इनका कार्य हो। शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाएं उनके लाभ से वंचित रह जाने के कारण अपनी शिकायत देने के लिए यहाँ आए थे, जनसुनवाई में उनकी शिकायत ले ली गई है, नियमानुसार उनको लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सारा देश एक और जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर देपालपुर और नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी ने सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने और न किसी को करने दे, इस प्रकार के हस्ताक्षर कर शपथ ली गई। वहीं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं द्वारा नगर में जन जागृति रैली निकाली गई। 150वीं जयंती के अवसर पर देपालपुर विकासखंड में आने वाले समस्त हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देपालपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेटमा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौतमपुरा, अटाहेड़ा, जलियोदियापार और पलासियापार धन्नड़ इसमें शामिल हैं। 150वें जन्मदिवस के अवसर पर स्वच्छता और वन टाइम प्लास्टिक यूज को बैन करने के लिए लगातार कार्य हुए हैं और आयोजन भी हुए हैं। नगर परिषद देपालपुर के द्वारा रैली का आयोजन किया गया है, सफाई का कार्यक्रम किया गया, अस्पताल में विशेष रूप से सफाई के लिए अभियान चलाया गया, लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो प्लास्टिक का यूज नहीं करें। बैराड़ में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यालय नगर परिषद बैराड़ में CMO अब्दुल अकबर कुरैशी ने नगर पालिका कर्मचारियों एवं पार्षदों को प्लास्टिक सामग्री का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर CMO ने कहा कि महात्मा गांधी का एक ही सपना था कि स्वच्छ और सुंदर भारत हो। इसी के साथ ही उनके सपने को साकार करने के लिए उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर हम सभी शपथ लेते हैं कि हम अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे, थैली जैसी प्लास्टिक से बनी किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे, बाजार से सामान लेने जाते समय हमेशा कपड़े से बने थैले का इस्तेमाल करेंगे, जिससे पर्यावरण स्वच्छ बना रहे। सबलगढ़ में छुट्टी के दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी डॉक्टर नहीं बैठते हैं और BMO से जानकारी लेना चाहिए तो BMO महोदय अपनी निजी क्लिनिक पर अपने निजी मरीज को अपनी सेवाएं देते हुए नजर आए। जब पत्रकारों के द्वारा इमरजेंसी डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल के BMO ऑन कॉल ड्यूटी देते हैं, जबकि सबलगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर पर्याप्त स्टाफ मौजूद होने के बाद भी डॉक्टर और BMO ऑन कॉल ड्यूटी का हवाला दे रहे हैं, जबकि ऑन कॉल ड्यूटी पर्याप्त स्टाफ न होने पर
दी जाती है, जिससे कि गरीब लोगों की और मरीजों के स्वास्थ्य से डॉक्टर भी खिलवाड़ कर रहे हैं। श्योपुर जिले के सेवापुरा गांव इन दिनों मवेशी तस्करों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और इस क्रम में कुछ बदमाशों ने गांव से भैंसों के साथ 3 लोगों को भी हथियार के दम पर अगवा कर लिया। इसके साथ ही अगवा किए गए ग्रामीण को जंगल में छोड़कर मौके से फरार हो गए। इस घटना की सूचना मिलने पर SDOP GD शर्मा ने कार्रवाई करते हुए रात भर जंगल में घेराबंदी की, लेकिन भैंस और बदमाश नहीं मिले। जबकि सिमरई के पास से चोर पुलिया पर अपहरण कर तीनों ग्रामीण मिल गए थे। फिलहाल पुलिस ने इन इलाकों में घेराबंदी करके फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पूरा मामला यही है कि सेवापुरा गांव है, उनमें से 19 भैंसों को लेकर डकैत लोग 11 थे। पूरी ले गए तो भैंस पड़ा पूरे, कहने का मतलब पूरे छोटे ना बच्चे भी होते हैं भैंसों के, उनको भी लेके फेंक गए भाई। अच्छा, एक बच्चा वहीं छोटा था उसको फेंक गए भैंस के। उनकी कीमत तकरीबन कितनी होगी? कम से कम मानो तो 50-55 के करीब एक भैंस। 60-60 भैंस की, यानी कि अपन 9-10 लाख रुपए कीमत आंक सकते हैं सभी भैंसों की। 9-10 लाख की आपकी। बताया जा रहा है कि इसमें 3 लोगों को भी बंधक बना के ले गए हैं। हाँ बिल्कुल, 3 लोगों को। जंगल का एरिया का की घटना है, वहाँ पुलिस जैसे घटना का पता चला वैसे लगातार 24 घंटे हो गए पुलिस वहाँ पे सर्चिंग है। थाना विजयपुर की भी पुलिस और आसपास क्षेत्र की पूरी पुलिस सर्चिंग में लगी हुई है जी, बदमाशों के पकड़ने के लिए। मध्य प्रदेश के सतना जिले के तहसील उछेरा के ग्राम पंचायत बांधी मोहर में रैन बसेरा की तर्ज पर गौवंश के लिए अब नया आश्रय बनने जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार जो कहती है कि वो करती है, और इसी के चलते ग्राम पंचायत में गौशाला खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बांधी मोहर ग्राम पंचायत में गौशाला के भूमि पूजन के अवसर पर पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने इन बातों को साझा किया। इसी के साथ इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजाराम त्रिपाठी, रणजीत सिंह, मदन कान पाठक, कृष्ण बिहारी मिश्रा, राजेश ताम्रकार के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर मैहर में चित्रकूट पर्वत पर विराजमान आदिशक्ति देवी जगत जननी विद्या और बुद्धि की देवी मां शारदा सिद्ध शक्ति पीठ मैहर में आज नवरात्र के चतुर्थ दिवस को मनाया गया। इसी के साथ ही भव्य दर्शन और महाआरती में शारदा देवी मां का नवरात्रि के चौथे दिन शारदा देवी मंदिर के प्रधान पुजारी स्वामी देवी प्रसाद जी महाराज एवं उनके पुत्र पवन पांडे जी महाराज द्वारा माता का भव्य श्रृंगार बुधवार को किया गया। इसी के साथ ही बुधवार को माता हरे रंग के वस्त्रों में सुसज्जित दिखाई दी। सीधी जिले में गांधी जयंती के अवसर पर GNMTC स्कूल की छात्राओं द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही पार्क में एकत्रित होकर हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ गांधी जयंती मनाई गई। इस दौरान पंचायत राज्य मंत्री कमलेश्वर पटेल मौजूद रहे। इस दौरान जिले के विभागवार अधिकारी एवं कर्मचारी के साथ रैली निकाली गई, जो कि गांधी चौराहा बस स्टैंड तथा लालता चौक होते हुए पुरानी सीधी से पुनः मानस भवन के सामने आकर समाप्त हुई, जिसमें नशा मुक्ति एवं स्वच्छता अभियान के बारे में जन जन को जागरूक किया गया। इसके साथ ही नशा न करने की शपथ भी दिलाई गई। इस कार्यक्रम में बच्चों एवं छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उमरिया नगर पालिका के द्वारा महात्मा गांधी का जन्मदिवस स्वच्छता ही सेवा अभियान के रूप में मनाया गया, जहां पर जनप्रतिनिधि सफाई का नाटक करते हुए नजर आए। जहां जहां कैमरे की निगाहें सड़कों पर जा रही थी, वहां वहां जनप्रतिनिधि सफाई का नाटक करते दिखे, लेकिन उन्हीं सड़कों की गलियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ दिखा, जहां पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। हर महीने सफाई के नाम पर प्रशासन से मोटी रकम वसूली जा रही है, लेकिन उन पैसों का उपयोग कहां हो रहा है ये कोई भी नहीं जानता। नगर को साफ रखने के लिए जो भी दावे किए जा रहे हैं, वार्ड में पड़ी गंदगी उन दावों की पोल खोल रही है। जिला जेल में सजा काट रहे एक कैदी भगवत चरण कुशवाहा को गांधी जयंती के अवसर पर रिहाई का तोहफा मिल गया है। 1 साल की पूरी सजा काट चुके भगवत चरण के पास में 1,000 रुपए जुर्माने की रकम भरने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके कारण उनकी रिहाई में दिक्कत आ रही थी। गांधी जयंती के अवसर पर प्रशासन तथा जेल मुख्यालय ने इसकी सूचना जिला जेल में पदस्थ PLV रामजी शरण को दी। प्रशासन तथा जेल मुख्यालय के सहयोग से अब जुर्माने की राशि जमा कर दी गई है, तो अब भगवत शरण की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। भगवत शरण ने गांधी जयंती के अवसर पर अहिंसा के रास्ते पर चलने की शपथ ली। इसके बाद जेलर ममता गौतम ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और जुर्माने की राशि भी जमा कराई। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई भी की गई। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हमारे मित्र हैं जो है रामजी राय जी, वो समाज सेवा का काम करते रहते हैं। मुझे उनसे सूचना मिली, चूँकि ग्राम सभा में कोरथरा में था, लेकिन वहाँ से सीधा चल यहाँ पे जेल में आ गया। इन्होंने हमको बताया कि कोई इस प्रकार का कैदी है, गांव है श्यौला आयोजन भंडर में पड़ता बागपुरा, वहाँ का कोई कैदी यहाँ पे कोई विगत कुछ महीनों से इसमें धारा वो 25 कौन सी आम सेहत के तहत यहाँ पर बंद था, तो उसको आज गांधी जयंती पर
मेरी सोचा कि इसको छोड़ना है और इसके पास जुर्माने की राशि है नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई अब क्या आप सहयोग कर सकते हैं, तो मैंने चलो मैं आ जाता हूँ, और मैंने यहाँ के 1000 रुपये उनका जुर्माना दिया है और उनके लिए यहाँ से जो है रिहा हो रहे हैं वो 5 तारीख में, ऐसा मैडम ने बोला है। अब ये अच्छी बात है, शासन आदेशों के तहत और नियमों के तहत एक मुलजिम को जो कि 1 वर्ष की सजा में था उसको छोड़ा गया है, किंतु मुलजिम चूँकि गरीब था, उसके पास जुर्माने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो ऐसे में सरपंच जितेन ठाकुर जी ने उनके जुर्माना 1000 रुपये जमा जेल पे किया, जिससे मुलजिम जेल से रिहा किया जाए। आज शहर के गांधी चौक छोटा बाजार में नगर परिषद अध्यक्ष अनीता राजेश लखेरा तथा समस्त पार्षद गणों द्वारा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, और इस अवसर पर अनीता लखेरा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोगों को भी सफाई पर ध्यान देना चाहिए, इसके साथ ही आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। एनजीओ अभिनव कला मंच के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव प्रताप सिंह ने कहा कि लगभग सभी घरों में टॉयलेट बन गए हैं और कुछ ही घरों में अभी ये समस्या है, और ये भी जल्दी सुलझा ली जाएगी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए 7i न्यूज़। नमस्कार।